नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं ये चार राशि वाले लोग। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी चार राशि वाले लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हद से ज्यादा मतलबी होते हैं और आपको इनसे सावधान रहना चाहिए। कौन से हैं वो चार राशि वाले लोग, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मतलबी होने का अर्थ होता है कि किसी को चुपके से धोखा देना या कुछ संदिग्ध करना। दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपने साथी को धोखा देना और अपने ठिकाने के बारे में झूठ बोलने से लेकर काम पर कम से कम काम चुपके से करने की कोशिश करने तक। दोस्तों, आपकी राशि आपके व्यक्तित्व के बारे में कई सारे राज खोलती है, जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी होता है। आपकी राशि में कई ऐसी बातें छिपी होती हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। दोस्तों, कुल 12 राशियां होती हैं और हर राशि की एक अलग ही पहचान होती है, उसी पहचान के अनुरूप वो सारे कार्य करती हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ राशि वाले लोगों के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मतलबी चीजें करना गर्व की बात नहीं है और कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं, वो भी दूसरों की तुलना में बहुत अधिक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी चार राशियों वाले लोग हैं जो अपने दृष्टिकोण से मतलबी और डरपोक होते हैं और कभी भी चीजों को सही तरीके से नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम आपको उन्हीं चार राशि वाले लोगों के बारे में जरा विस्तार से बताते हैं जो कि हद से ज्यादा मतलबी होते हैं। इसलिए आपको इनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उनके बारे में जरा विस्तार से बताते हैं। नंबर एक, मिथुन राशि वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोग अक्सर हर किसी की अच्छी किताबों में होने के लिए सच्चाई का तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दोस्तों, वो पाखंडी जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं और मुसीबत में ना पड़ने के लिए केवल निर्दोष होने का दिखावा करते हैं। नंबर दो, कर्क राशि वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्क राशि के लोग दयालु और शुद्ध आत्मा के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए वो अक्सर अपनी प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ये लोगों पर मेहरबानी करके उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें बरगलाकर अपना काम करवाते हैं। नंबर तीन, सिंह राशि वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि वाले लोग अपनी तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, चाहे वो अच्छे कारणों से या बुरे कारणों से। वो सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी करेंगे और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में सक्षम होते हैं। वो किसी का ध्यान आकर्षित करने और नाटक बनाने के लिए किसी को चोट पहुंचाने से पहले दो बार भी नहीं सोचते हैं। नंबर चार, तुला राशि वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तुला राशि वाले लोगों की, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुला राशि वाले लोग चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। अगर चीजें अपने तरीके से नहीं चल रही हैं, तो वो लोगों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। तो दोस्तों, यही वो चार राशि वाले ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, इसलिए आपको इनसे हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। वैसे आपकी राशि क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।